गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं और आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चल रहा है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी इन द सेंस कोई भी ऐसी पार्टी, कोई भी ऐसा पर्सन जो दो प्यार करने वालों के बीच में आए, फैमिली मेंबर हो, चाहे रिलेटिव, चाहे फ्रेंड्स। अगर आपको लगता है कि कोई है आप दोनों के बीच में जो लड़ाई करवा रहा है, कोई है जो नहीं चाहता है कि आप दोनों एक हो जाएं, या कोई है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको खुल के अपने दिल की बात नहीं बताते हैं, तो आज का ये टॉपिक आप लोगों के लिए ही होने वाला है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आए तो लाइक करके मुझे बताइएगा, क्योंकि उससे मुझे समझना इजी हो जाता है कि जो ऑडियंस है उनको किस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा रीडिंग पसंद है। अगर ये आपका फेवरेट टॉपिक है तो यहाँ पे लाइक ज़रूर करें। तो अब मैं मैसेज में कैसे बताऊँगी, सबसे पहले मैं आपके लिए देख लेती हूँ और थर्ड पार्टी के लिए देख लेती हूँ कि आपके पर्सन क्या क्या सोचते हैं, और एंजल गाइडेंस भी दूंगी, और जो भी उस वक्त मुझे सिचुएशन समझ में आएगी उस हिसाब से मैं आपको गाइडेंस और आगे रीडिंग में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमको करने चाहिए, तो उस हिसाब से ही मैं आपके लिए रीडिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मैं जब तक की कार्ड शफल कर रही हूं, आप प्रे कर लें ताकि आज आपको आपके सवालों के सही जवाब मिले। पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है। देखिए, ये यहाँ पे दिख रहा है कि एज गैप हो सकता है। आप जिस भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बट ज्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक यंग एज हैं आपकी, और आपके अंदर इस पर्सन के लिए बहुत ही ट्रू वाली डिज़ायर है। आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको मिल जाए, कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाहते हैं कि ये जल्दी से फ्री होके आ जाए और आपको मिल जाए, ये मुझे दिख रहा है। अगर ये रेजोनेट हो रहा है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, आप दोनों के रिलेशन ठीक हो जाए, तो बने रहिए मेरी इस रीडिंग में, आपको आगे भी गाइडेंस मिल सकती है। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड आ गया है कार्ड यहाँ पे। ये मैं थर्ड पार्टी के लिए देखूंगी सबसे पहले, आपके लिए बाद में देखेंगे। अभी तो ये देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या है। तो यहाँ पे कार्ड आ गए हैं हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, ऐसा चल रहा है कि आपके पर्सन और जो थर्ड पार्टी है उसके बीच में ना कुछ लुका छुपी वाला खेल चल रहा है, कि कोई ऐसी बात है कि वो थर्ड पार्टी के ऊपर निगाह रखे हुए हैं। उनको पता चल रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत चलाक है और उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये मैसेज दिया है मुझे इन दो कार्ड्स ने। आपके पर्सन मैं देख सकती हूँ कि वो ना जल्दी बातों में भी आ जाते हैं थर्ड पार्टी, वो उतने चलाक नहीं है जितनी कि थर्ड पार्टी चलाक है। ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दिख रही है। जैसे आपकी एनर्जी है वैसे ही आपके पर्सन की भी एनर्जी है, और ये थर्ड पार्टी की तरफ अभी अट्रैक्टेड है मैं कह सकती हूँ, बट लव वाली अभी एनर्जी मुझे नहीं फील हुई है। तो यहाँ पे आपके जो मीन्स पार्टनर हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, वो मुझे दिख रहा है इस वक्त। इसके अलावा क्यूरियस राशि का भी मैं देख सकती हूँ, एयर साइन में से अगर आपके पर्सन हैं तो वो आप देखिए, मुझे वो भी दिख रहा है यहाँ पे। आप उन लोगों की एनर्जी आ रही है,
एयर साइन और फायर साइन, और मैं ये बताना चाहती हूँ कि थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। वो ये चल रहा है कि आपके पर्सन कुछ निगाह रखे हुए हैं, कोई ऐसा है उन दोनों के बीच में एक कि एक दूसरे के फोन चेक करते हों, एक दूसरे के मैसेजेस चेक करते हों। थर्ड पार्टी पूरा कंट्रोल रखने की कोशिश करती है कहीं आपसे उनकी बात तो नहीं हो रही है, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पसंद है कि आपके पर्सन आपसे बात करें। उनके फ़ोन चेक करती हों, उनको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, और आपके पर्सन उतने फ्री नहीं हैं। आपके पर्सन भी थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड दिखते हैं। वो ऐसा, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कंट्रोल कर लेती हैं, आपके पर्सन को उनको कंट्रोल करना नहीं आता। यहाँ पे मुझे इस कार्ड ने दिखाया है कि वो थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं, मॉम भी हो सकती हैं, बिल्कुल वो ध्यान रखती हैं, वो नहीं चाहती हैं कि ये आपसे बात करें। तो ये छुप छुप के आपको देखते हैं, आपके पर्सन थर्ड पार्टी से डरते हैं ये भी मुझे लगता है, तो छुप छुप के आपसे बात करते होंगे और मैसेज वगैरह डिलीट कर देते हैं ताकि थर्ड पार्टी रीड ना कर पाए, उनको ना पता चले कि आपकी उनसे बात चल रही है। ये चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। कंट्रोलिंग है इस वक्त, ये करंट एनर्जी है आज के लिए, मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट टाइम क्या होगा वो फिर हम तभी बताएंगे आपको। और देखते हैं थर्ड पार्टी के बीच में और क्या चल रहा है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। एट ऑफ कप्स, आपके जो पर्सन है ना, उनका मन करता है कि वो कहीं दूर चले जाएं। आपके पर्सन खुश नहीं दिख रहे हैं, एट ऑफ कप की एनर्जी में है इस वक्त, थर्ड पार्टी के साथ अकेले हैं, अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनको नहीं लगता है कि थर्ड पार्टी अंडरस्टैंडिंग है या उनको समझ रही है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम इन दोनों के बीच में आज हुई हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, जिसने ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन का आज दिल तोड़ा हुआ है और वो सैड एनर्जी में है। इन दोनों के बीच में कुछ आर्गुमेंट हुए हैं आज। द वर्ल्ड, बट आपके जो पर्सन है ना कहीं देखिए वो फैमिली को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, तो उनके लिए दिख रहा है कि थर्ड पार्टी द वर्ल्ड कार्ड आना, ये मुझे दिखाता है कि रहना तो चाहते हैं वो थर्ड पार्टी के साथ, रहना पड़ रहा है आप ये भी बोलो, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आना ये दिखाता है कि ये पर्सन मानता तो है थर्ड पार्टी को, अपना अपनी जिम्मेदारी, अपना घर, अपना परिवार। डेफिनेटली अगर ये पेरेंट्स हैं तो इजी नहीं होता किसी के लिए भी अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को छोड़ देना। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि ये चाहते हैं कि जो थर्ड पार्टी है इनके साथ अच्छा बिहेव रखे, क्योंकि ये उनके साथ अच्छा बिहेव रखना चाहते हैं, तो ये उम्मीदें करते हैं कि थर्ड पार्टी भी इनके साथ अच्छे से बिहेव रखे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी इनके साथ मीन्स आर्गुमेंट करती है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, इनको भी ये चीज़ पता है, लेकिन फिर भी ये थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए तैयार हैं। इमोशंस नहीं जुड़ रहे हैं इनके। एट ऑफ कप की एनर्जी मुझे ये दिखाता है कि इमोशंस कहीं नहीं जुड़ रहे हैं, और जो थर्ड पार्टी है वो प्रैक्टिकल है, वहाँ पे भी मुझे इमोशंस इतने नहीं दिख रहे हैं कि केयर हो किसी तरह की। आगे भी देख लेते हैं कि क्या आता है। वाटर साइन भी है यहाँ पे, आपके पर्सन का साइन अगर वाटर साइन है तो डेफिनेटली आप वो माने, और लियो राशि का भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पेज ऑफ व्हील्स, अभी भी आपके जो पर्सन है ना वो थर्ड पार्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको खुश करने के लिए। आज हो सकता है आर्गुमेंट किसी इस चीज के लिए हुआ है कि थर्ड पार्टी ने उनसे कुछ मांगा है और इनको वो देना मुश्किल है, इन्होंने मना किया है। बट जैसा कि मैंने बोला है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा तेज है, स्ट्रोंग है, वो कैसे भी करके इतना कर लेगी कि आपके पर्सन को वो चीज़ देनी पड़ेगी और आपके पर्सन को उनकी बात आज मान लेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है जो थर्ड पार्टी ने उनसे आज मांगा है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हुए हैं, तो आपके पर्सन अब उस चीज़ का अरेंज करने गए हैं। इतना कंट्रोल है थर्ड पार्टी का आपके पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी को पता है
आपके पर्सन का कौन सा बटन कब दबाना है तो वो वैसे ही करते हैं। ये तैयार है उनकी वो बात मानने के लिए, शाम तक रेडी हो जाएंगे कि हाँ उन्होंने मुझसे ये मांगा है, चलो मैं दे देता हूँ, ताकि वो खुश रहे। क्योंकि ये कहीं ना खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ। इनको लगता है ऐसा करने से थर्ड पार्टी खुश हो जाएगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इनके साथ अगर डील करना है थर्ड पार्टी के साथ, तो आपके पर्सन के लिए गाइडेंस ये आ रही है कि इनको भी उन्हीं की तरह प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये एक मुझे ब्लॉकेज नजर आ रही है। स्वॉर्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी कट हो गई थी वीडियो, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी रीडिंग यहाँ से। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन को अगर थर्ड पार्टी के साथ डील करना है, अगर एक्चुअल में उनको शांति चाहिए, तो उनको भी थोड़ा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपनी बातों को उनके साथ रखना होगा। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि उनके पेरेंट्स, मदर फादर दोनों ही डोमिनेट करते हों आपके पार्टनर को, ऐसा भी पॉसिबल है। बट आपके पर्सन को इनके साथ डील करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा, उनको भी थोड़ा सा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है थर्ड पार्टी के साथ, ताकि वो अच्छे से रह पाएं। जिस तरह से चल रहे हैं ऐसे थर्ड पार्टी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और ज़्यादा उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अगेन द जस्टिस कार्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे भी स्वॉर्ड ली हुई है, यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स ली हुई हैं। कहीं पे भी मुझे इमोशन या पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी यही दिख रहा है कि कंट्रोलिंग है। कुछ लीगल मैटर भी इन दोनों के बीच में चल रहा है, काफ़ी लोगों के साथ तो मुझे दिख रहा है कि लीगल मैटर है। हो सकता है डिवोर्स की भी बात चल रही हो काफ़ी लोगों के साथ, मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है, इंट्यूशन हो रहा है कि डिवोर्स की बात चल रही है। बट जो थर्ड पार्टी है वो कुछ मांग रही हो, जैसा कि आपके पर्सन देने के बारे में सोच भी रहे हैं। हो सकता है वो इसलिए भी सोच रहे हो कि चलो पीछा छोड़े दे देता हूँ जैसे भी, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो उनसे बड़ा ऑफर मांग रही है कि अगर मेरे से पीछा भी छुड़ाना है, थर्ड पार्टी को अलग भी होना है, तो वो कुछ बड़ा अमाउंट उनसे मांग रहे हैं। बट आपके पर्सन के पास एक छोटा सा ऑफर है उनको देने के लिए कि मैं इतना दे सकता हूँ, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसे भी यहाँ पे सिचुएशन है। थर्ड पार्टी काफी कुछ डिमांड कर रही है, डिमांडिंग नेचर भी है यहाँ पे, या तो वो धमका भी रहे हो कि अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो वो कुछ ऐसा करेंगे, उनके लिए कुछ लीगल एक्शन लेंगे, उनको धमका रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं, वो कह रहे होंगे कि अगर तुमने इससे शादी की तो हम तुमको घर से निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे, कुछ नहीं देंगे। तो ये भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी मैं देखती हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी का बता दिया, अब आपके लिए और मैं देखना चाहूँगी आपके और आपके पर्सन की एनर्जी क्या आ रही है इस वक्त। स्टार कार्ड, आपके जो पर्सन है ना इनको आपके साथ अच्छा लगता है। स्टार कार्ड एक मुझे दिख रहा है, पीस का कार्ड, शांति है उनको मिलती, वहाँ पे स्ट्रेस मिलता है थर्ड पार्टी के साथ, आपके साथ इनको शांति मिल रही है। बट कुछ कर्मों का खेल आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है, कुछ कार्मिक साइकिल हो सकती है जिसके बीच में आप दोनों फंसे हुए हैं, कुछ भी हल नहीं निकल रहा है। थर्ड पार्टी स्ट्रोंग है और कहीं ना कहीं आप वीक पड़ जाते हो, आपके पर्सन वीक पड़ जाते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। इस वजह से आपके पर्सन ना आना जाना लगा रखा है, उनका जब मन नहीं लगता है वो आपको महसूस कर देते हैं, ये मुझे दिख रहा है। कोई भी कमिटमेंट या पर्सन नहीं देना चाहता है, कभी हाँ करता है, कभी ना करता है, बहाने बनाता है। आप इस चीज़ से भी थक चुके हैं कि ये अपनी फैमिली को क्यों नहीं मना पाए हैं, मना लेना चाहिए। आपके पर्सन काफ़ी मुझे डिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी के ऊपर,
इमोशनली हो चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे प्रॉपर्टी का कोई लालच है, चाहे मनी का कोई लालच है, तो इस पर्सन को कुछ तो ऐसा चाहिए है थर्ड पार्टी के पास, जिसकी वजह से ये बार बार झुक जाते हैं जाके थर्ड पार्टी के सामने, और आपको हमेशा लटका के रखा है इस पर्सन ने। कभी भी हाँ या ना में सही जवाब दिया ही नहीं। आप काफ़ी टाइम से ही वेट कर रहे हो कि ये फैमिली को मनाओ, बताओ कुछ, लेकिन ये आपको कोई भी आंसर नहीं देते हैं। ये आपके साथ चल रहा है इस पर्सन का। हैंग्ड मैन, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, फंसा के रखा हुआ है, खुद भी फंसे हुए हैं, आप भी फंसे हुए हैं। देखिए किंग ऑफ कप की एनर्जी आई है आपके साथ, तो ये दिखाता है कि इस पर्सन को आप चाहिए, आप इनको मिल जाओ, ये पर्सन चाहता है ये बात। सोसाइटी, समाज, रिलीजन का फ़र्क होगा ऐसा मुझे दिख रहा है, स्टेटस का डिफरेंस है ये मुझे दिखता है आपके और उनके घर परिवार में। और ये पर्सन ना हो सकता है काफ़ी रेपुटेशन है इनकी, तो जिस वजह से ये लोगों के दबाव में भी ऐसा कर रहे हैं, इनको बदनामी से भी डर लगता है, इस वजह से भी कमिटमेंट नहीं देते हैं आपको। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, ये वो पर्सन है जो सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं, सिर्फ फैमिली के बारे में नहीं, इनको डर है, इनको सोसाइटी का भी डर है कि लोग क्या कहेंगे। हो सकता है ये काफ़ी रिस्पेक्टेड हैं, मैं देख पा रही हूँ, टीचर हो सकते हैं, गुरु टीचर या कोई डॉक्टर, मीन्स हाई अथॉरिटी पे हैं, जज भी हो सकते हैं ये, जिस वजह से इनके ऊपर इस तरह का प्रेशर है। ये पर्सन ने कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अगर मैं लॉयर की भी बात करूं तो डेफिनेटली गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा ही कुछ दिखता है कि इनका समाज में कोई पॉलिटिक्स में हो, ये भी हो सकता है, कोई बड़ा है इनका स्टेटस, ज़्यादातर लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है, लॉयर हैं, जज हैं, टीचर हैं, डॉक्टर, तो हो सकता है एक फेमस बिजनेस मैन भी हों, तो ये इस वजह से इस रिश्ते को नाम नहीं दे पा रहे हैं। थर्ड पार्टी भी इनको लटका के रखी है, कुछ इनको चाहिए थर्ड पार्टी को। ये देखिए ये आपके लिए आ रहा है कार्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन ने शायद आपके हक का आपको कभी दिया ना हो, ऐसा नज़र आ रहा है, जिस वजह से आप भी मायूस हो, आप भी समझते हो प्रॉब्लम बड़ी है, आप भी परेशान होते हो इनके ऐसे नेचर से, ना तो ये वहाँ पे कुछ क्लियर कर पाते हैं, ना ही आपको क्लियर कर पाते हैं, ये मुझे आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी भी आई है, क्योंकि आप चाहते हो कि ये कोई डिसीजन ले, उधर से वो थर्ड पार्टी भी उनको खींच रही है, इधर से आप भी इनके ऊपर कुछ तो प्रेशर बना रहे हो कि अब आपको मेरी बात माननी होगी, आपने भी ऐसा बोल दिया होगा कि आना है तो ढंग से आओ, नहीं आना है तो जाओ यहाँ से, और उधर से थर्ड पार्टी भी यही कर रही है इस वक्त, वो अपनी बातें मनवाना चाहती हैं अपने पार्टनर से, वो वही करवाना चाहती है आपके पार्टनर से कि जैसा वो चाहती हैं, और यहाँ से आपने भी अब हार मान ली है, अब आप प्रैक्टिकल हैं और आप चाहते हैं कि फाइनल डिसीजन लो, वहाँ जाना है तो जाओ, उधर जाओ कोई बात नहीं, बट फिर यहाँ मत आओ, बीच में फंसा के मत रखो, लटका के मत रखो, क्योंकि अब आप भी परेशान हो चुकी हैं, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। इस वजह से आपने भी अपने पर्सन के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो बनाया है इस चीज़ का कि ठीक से रहना है रहो, नहीं तो जाओ, मुझे भी ज़रूरत नहीं है, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे आपने भी अब प्रैक्टिकल सोचना स्टार्ट कर दिया है। अभी मैं आपकी भी एनर्जी देखती हूँ और ज़्यादा देखते हैं डिटेल में।
यहाँ पे सभी साइंस आ गए हैं हमारे पास, ऑल साइन की रीडिंग है। अबर्नस आपके लिए कार्ड आ रहा है, ये मुझे आपकी एनर्जी दिख रही है, आप करियर के ऊपर ध्यान लगाना चाह रही होंगी, बिल्कुल अबर्नस चाहती हैं आप अपनी लाइफ में, अच्छा करियर, अच्छी फैमिली, ये सब चीज़ें आप चाहती हैं, ठीक है। और आप काफ़ी खुश रहने की कोशिश करती हैं अकेले अपनी लाइफ में, तो ये मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी में, काफ़ी हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो आप, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हो, आप चाहते हैं कि इस पर्सन के बिना भी मैं अपनी ज़िंदगी बना सकती हूँ और मैं खुशी से जी सकती हूँ, क्योंकि आपको आप मिल चुके हो, आप डिपेंड नहीं रहते, इसीलिए आप अपने पर्सन के ऊपर भी डिपेंड नहीं हो। आपके पर्सन ज़रूर डिपेंड हो सकते हैं किसी के ऊपर, बट आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो, ठीक है। रीबर्थ हुआ है आपका, आपने काफ़ी सीखा है, बार बार आपको चोट पहुंची है इस रिश्ते से, तो आपने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना के अब अपने आप का अपना रीबर्थ किया है, आपने उस साइकिल को कट किया है, जो दुख तकलीफें आपको इस रिलेशन में मिली हैं आपने उन चीज़ों को ख़त्म किया है, ये मुझे नज़र आ रहा है। ये सब चीज़ें आपका इस कनेक्शन की वजह से है, इस वजह से वो दुख उतना नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत तो होगा, आपको याद आएगी, थोड़ा सा पेन तो रहता है, बट अब वो चीज़ नहीं है कि हाँ आप अपने अपनी लाइफ ख़राब नहीं करना चाहते, अब आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, इल्यूजन से बाहर निकल चुकी हैं, अब आप किसी भी इल्यूजन 3D वर्ड को बहुत अच्छे से समझते हैं, अटैचमेंट का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, प्यार का मतलब आप बहुत अच्छे से समझते हैं, किसी को कंट्रोल करके नहीं रखना ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं, घर परिवार फैमिली सोसाइटी से ऊपर आप सोच सकते हो, आप सोल कनेक्शन को समझते हैं, ये सब चीज़ें इल्यूजन से आप बाहर निकल के आए हो, आपने अपनी सोच को बहुत बड़ा किया है, जैसे नॉर्मल लोग सोचते हैं घर परिवार बच्चा खाना बनाना पकाना और मर जाना, ये एक बेसिक रूटीन होती है सब लोगों की, उससे परे हटके आप दुनिया, यूनिवर्स, गॉड, एंजल्स, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचते हो, ये आपके अंदर मुझे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। द ड्रीम आपका कोई सपना है, डेफिनेटली ये सपना आपका ये पर्सन भी है, आप चाहते तो हैं इनको, जब हो सकता है सपनों में भी ये आते हों, आपकी डिज़ायर है इनके साथ रहने की, क्योंकि आप इनको ट्रू लव करते हो ये मुझे दिखता है, बट आप इस पर्सन के ऊपर अब डिपेंड नहीं हो, आप अकेले हो, आप उनकी यादों के साथ भी अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हो, लेकिन आप अपने पर्सन को अब खींचातानी नहीं करना चाहते हो किसी भी चीज़ की, तो इस वजह से आप उनको फ्री कर देना चाहते हो कि अगर थर्ड पार्टी से निकल आना इतना ही मुश्किल है तो वहीं पे रहो, खुश रहो, मुझे आके बार बार परेशान मत करो। कुछ दिन को आपको लगता है कि हाँ थोड़ा सा दुख होगा, तकलीफ होगी, लेकिन आप जीना सीख जाएंगी, मुझे ऐसी आपकी सोच दिख रही है यहाँ पे। एंजल गाइडेंस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए, ये रीडिंग जिसको भी रेजोनेट हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, इससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आता है और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए रीडिंग कर पाऊँ। सब मुझसे मांगते हैं डेली मैं रेडियो बनाऊँ, डेली रीडिंग करूँ, तो मुझे लाइक करें, मैं डेली बनाऊँगी, नहीं तो मैं हफ्ते में एक बार बनाऊँगी। जॉब कर रही हूँ, देखिए मेरा काम है, मैं करती रहूँगी, भले ही आप लाइक दें या ना दें। मैं जानती हूँ कि बहुत से लोग गाइडेंस फॉलो करते हैं मेरी रीडिंग में, काफ़ी कुछ उनको हीलिंग भी मिलता है, गाइडेंस मिलती है, देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और मैं ऐसे ही बनाती रहूँगी जब तक मुझे ऊपर वाले ने रखा है मैसेज देने के लिए, आप समझे, तब तक मैं भी जॉब कर रही हूँ अपनी, ठीक है। लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा, नहीं लाइक करेंगे तब भी हम आपके लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं एंजल मैसेज देना चाहती हूँ आपको। पीसफुल रेजोल्यूशन, आपकी लाइफ में काफी अच्छा टाइम आने वाला है, पीसफुल टाइम आने वाला है, लाइफ बेहतर होने वाली है आपकी, वेट करने को बोल रहे हैं, हो सकता है आपने कोई सवाल पूछा हो, किसी चीज़ का वेट है, अगर आप यूनियन के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना होगा, अपने पार्टनर का वेट करें, यहाँ पे ये मैसेज है। अगर कुछ और भी आपने गाइडेंस मांगी हो तो आप उससे भी कनेक्ट करके वेट कर सकते हैं, एंजल मैसेज दे रहे हैं। सक्सेस,
करियर की तरफ आप जाना चाहते हैं, सक्सेस तो मिलेगी ही, अबंडेंस आप मांग रहे हैं या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपने चक्रस पे भी काम कर रहे हो, कुछ तरह की हीलिंग कर रहे हैं, तो सक्सेस आपका राइट है, अबंडेंस आपका राइट है, तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। रिलेशन की भी मैं बात करूँ, इसमें भी सक्सेसफुल होने के पूरे पूरे चांस हैं, बट आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे आया है, ठीक है, तो ये जो मैसेजेस आए हैं आपके लिए, होप गाइस आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए आगे भी बनाती रहूँ। मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।